सुबह से कस्टमर्स के ऐसा तूफान आ रहा है ना, ऐसे तूफान आ रहा है कि भाई सारे कस्टमर्स ही उड़ गए। Hey guys, good morning. Welcome back to my new vlog. So, सुबह सुबह के 7:30 बज चुके हैं एंड फिलहाल पापा जी गए फ्रेश अप होने। जैसे ही पापा जी आते हैं फिर हम भी चलते हैं फ्रेश अप होते हैं। मम्मी जी तो बस अपना गाजर खा रही है ना मम्मी, चलो कोई नहीं, दीदी अपना काम करते हुए एंड हम भी चलते हैं अपना काम कर लेते हैं, यानी फ्रेश अप हो जाते हैं। पहले पापा का वेटिंग करना पड़ेगा फिर हमें फ्रेश अप होना पड़ेगा। तो चलते हैं एंड मुझे अभी याद आया कि मैंने वाटरमेलन को कल रात में फ्रिज में रख दिया था। जी चलो कोई नहीं, अभी बाहर निकालते इसको। एक्चुअली थोड़ा ठंडा करने के लिए मैं इसको ऊपर रख दिया था एंड फिर भूल ही गया, रात में निकाला ही नहीं इसको, यार गिर जाता। अभी रखते साइड, पहले फ्रिज को बंद करते हैं एंड इसको थोड़ी देर बाहर रखना पड़ेगा, बाहर लेके चलते हैं। यहाँ बाहर कहीं रखूँ, थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा। मम्मी कहाँ पे रखो इसको? यहाँ पे रख दूँ? चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी पापा जी आ चुके हैं तो अभी हम चलते हैं, फटाफट से फ्रेश अप होते हैं। एंड अभी हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है जो कि मस्त दही एंड रोटी है। तो पहले तो दही एंड रोटी खाते हैं भाई। सुबह सुबह ना मस्त दही रोटी खाने का मजा ही अलग है यार। गाँव में तो उल्टा छाछ एंड रोटी खाते हैं। पहले तो क्या करते हैं, एक बाउल लेते हैं, अंदर छाछ डालते हैं, दो तीन रोटी अंदर डाल के थोड़ी देर छोड़ देते हैं, एक 5-10 मिनट छोड़ के फिर खाते हैं यार, बहुत ही मज़ा आता है। कोई नहीं, पहले तो हम ब्रेकफास्ट करते हैं एंड फिर निकलना है हमें दुकान के लिए। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है एंड अभी चलते हैं दुकान पे। बाय निशा, बाय मम्मी। मम्मी ने मुझे थोड़ी डांट लगा दी। मम्मी ने कहा कि दीदी मुझसे बड़ी है ना, तो निशा दी बोल को बुला, खाली निशा नहीं। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से ट्राई करता है। एक्चुअली निशा दी सूट नहीं होता यार, खाली निशा सूट होता है, नहीं तो खाली दीदी सूट होता है। चलो कोई नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूँगा, याद रखूँगा कि निशा दी ही बुलाएंगे। तो फिलहाल अभी दुकान पे आ गए थे एंड अभी सुबह के 10 बज गए, यानी 10:07 हो चुका है। तो अभी हमारा व्लॉग भी आ गया होगा एंड भाई सुबह से कस्टमर्स के ऐसा तूफान आ रहा है ना, ऐसे तूफान आ रहा है कि भाई सारे कस्टमर्स ही उड़ गए। भाई सुबह से कस्टमर्स ही नहीं है यार, क्या करें। तो भैया भी मस्त अपना पीछे बैठ गए, बस कब से अपने फ़ोन में स्क्रॉल चलते रह रहा है, स्क्रॉल के ऊपर स्क्रॉल, स्क्रॉल के ऊपर स्क्रॉल, बस इंस्टाग्राम में यही चल रहा है यार, बाकी क्या ही करे। अभी दुकान पे कस्टमर रहे जब दिन अच्छा जाता है, वरना दिन एकदम लेजी लेजी जाता है यार। चलो कोई नहीं, एक कस्टमर तो आया है। अभी भागना पड़ेगा हम घर पे, क्योंकि जस्ट अभी अभी ट्रेन भैया को कॉल आया एंड उन्होंने कहा कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, रेडी रहना बोल के। एक्चुअली मैंने सोचा था कल ही लास्ट क्लास था, आज क्लास नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आज भी क्लास है यार। चलो कोई नहीं, फिलहाल भी अपना एक्टिवा लेते हैं एंड बस घर की ओर चलते हैं। चलो अभी हम घर पे तो आ गए। दीदी को मैंने पहले कॉल करके बोल दिया था कि भैया 10 मिनट में आ रहे हैं तो रेडी रहना। मम्मी दीदी रेडी हो गई? चलो कोई नहीं, भैया आते ही चलते हैं। चलो भैया तो आ गए एंड अभी दीदी भी आ चुकी है, तो चलते हैं फिलहाल। फिलहाल भी ग्राउंड के अंदर पहुंच गए हैं, पहले इस पत्थर को वहां साइड में लगाते हैं यार, आज पहले हमें ही चलानी है। मैं लेलर भेज देता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, पहले घर पे चलते हैं, वहाँ से फोटो कवर क्लिक करके भैया को भेज देता हूँ, फिर भैया स्लॉट वगैरह बुक कर लेंगे एंड कल चलेंगे लाइसेंस बुक करा, सॉरी लाइसेंस के लिए एग्ज़ाम देने। चलो कोई नहीं, फिलहाल घर पे चलते हैं भाई, बाहर बहुत ही गर्मी है यार, अभी दोपहर को जाएंगे दुकान, जब तक मस्त। फिलहाल भी घर पे आ गए थे एंड मम्मी को मैंने कहा कि अभी मैं दुकान पे जाऊँ या फिर घर पे रहूँ, तो मम्मी जी की तरफ से कुछ जवाब ही नहीं आ रहा। मम्मी जी बोल रही है, दीदी को बोल रही है तो फटाफट से रोटी बनाओ, मुझे कुछ बोला ही नहीं कि भाई रुको या जाऊँ। कोई नहीं, वेटिंग करते हैं, अभी मुझे खाना लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वैसे भी 12 तो बज चुके हैं, तो अभी थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं, भैया का टिफिन लेके सीधा दुकान पर जाएंगे। तो अभी 12 बजे, जस्ट 11:58 हो रहा है, तो वेटिंग करते हैं अभी खाने का। दीदी बना देना फटाफट से खाना। बाय मम्मी। बाय दीदी। एंड फिलहाल अभी चलते हैं दुकान क्योंकि भैया का टिफिन आ चुका है,
तो दुकान पे जाके बैठेंगे तो पापा जी से मुझे यहाँ पे काम करा रहे, लेकिन विंडो से दिख रहा ही नहीं यार। आज तो पूरा काम हो जाएगा एंड अभी हम चलते हैं दुकान। तो अब फिलहाल दुकान पे आ गए थे एंड भाई बहुत ही लेजीनेस आ रहा है, यही भी मज़ा आए थे, नींद आ जा रही है कई बार का। तो भैया तो मुझे आप अंदर खाना खा के छो गए, मैं एक्चुअली में कभी का आ गया था, अभी तो 2:38 बज गए टाइम। एक्चुअली आते ही पहले फ़ोन को चार्जिंग में डाला क्योंकि चार्जिंग बहुत ही कम था ना, तो चार्जिंग को फुल किया एंड अभी बस काउंटर संभालते हैं। तो भैया तो खाना खा के मस्त हो चुके हैं अंदर, क्योंकि आपको दिख रहा होगा। बस भाई यहाँ पे कब से ना ऐसे ही नींद आ जा रही है मुझे। शाम के 5 बज चुके हैं एंड जैसे तैसे करके दिन तो निकाल ही दिया यार, थोड़ा बहुत काम वगैरह किया एंड बाकी टाइम सोते ही रहे काउंटर के ऊपर, लेकिन दिन निकाल ही दिया। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल चलते हैं घर की ओर एंड उससे पहले गाय की रोटी भी देनी है क्योंकि अब तो मैंने दी नहीं है, दोपहर को याद नहीं आया इसलिए दिया नहीं, तो अभी चलते हुए दे देंगे। भैया अभी गैस होते पीछे इसलिए मैंने भैया को बुला लिया अभी एंड अभी चलते गौशाला आ गए एंड ये वाली गाय को रोटी दे दी एंड इस प्यारी सी गाय को भी दे दी। तो अभी चलते हैं सीधा घर की ओर। घर पे पहुँच गए एंड देखिए भाई काम कितना कम्प्लीट हुआ है, भाई शोर बिल्कुल नहीं आ रही, काम खत्म हो गया क्या भाई? काम तो पूरा ख़त्म हो चुका है यार, नाइट में सही आ रहा नहीं है लेकिन काम तो पूरा हो चुका है यार, फ़ोन में दिख रहा नहीं है, बहुत ही डल आ रहा है लेकिन काम पूरा हो गया। चलो कोई नहीं, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ तक पूरा बाहर हो गया एंड यार यहाँ पे भी काम करा दिया पापा ने, जो भी इधर और डार्क कर दिया सीमेंट, यह अभी डाला है यहाँ पे सभी सीमेंट एंड डॉगी भाई बार बार ख़राब कर रहा है, यहाँ पे इसके फुटप्रिंट पड़ चुके हैं जो कि ज़िंदगी भर यही पे रहेंगे। एक यहाँ पे गिरा एंड यहाँ पे और एक गिरा है, यहाँ पे कहीं भी और एक था यार, पता नहीं कहाँ पे था, शायद ये वाला ही होगा, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे डाला अपने फुटप्रिंट भाई और कितने फुटप्रिंट डालेगा एक जगह पे बैठ जाना। घर पे आते ही मम्मी जी ने मस्त पापड़ तलना स्टार्ट कर दिए, जो कि मम्मी ने इतने सारे तो तल दिए और तल रही है, टेस्ट करते हैं भाई कैसे है पापड़। सही है यार, एकदम क्रंची। अब देखते भाई अभी क्या कर रहा है डॉगी। चलो एक जगह पे बैठ गया अभी डॉगी, यहाँ पे बैठा है। तो ये पूरा काम हो गया ना? हाँ वहाँ पे पत्थरों का हो गया, तो अब उसके ऊपर वाले फ्लोर में काम चलेगा कल? नहीं चलेगा। तो कब चलेगा? हाँ दुकान का काम चलेगा। तो अभी कल बंद वापस काम? बंद। ओके चलो कोई नहीं, गाँव में जाने का काम चलेगा, जो भी पैकिंग वगैरह करनी रहेगी वो करेंगे एंड जो भी सामान चाहिए रहेगा ना सब कुछ लाके पैकिंग वगैरह करेंगे, है ना? चलो कोई नहीं। तो फिलहाल दीदी रेडी हो रही है, जैसे दीदी का रेडी वर्क होना होता है फिर चलते हैं हम जिम के लिए। फिलहाल भी हम भी थोड़ा बहुत फ्रेश अप वगैरह हो गए, यानी फेस वॉश वगैरह कर लिया, तो भगवान जी की पूजा करते हैं एंड फिर निकलते हैं। दीदी भी तैयार हो चुकी है तो पहले भगवान जी की पूजा करते हैं एंड फिर निकलेंगे। भगवान जी की पूजा हो चुकी है एंड अभी निकलते हैं। पहले तो मम्मी एंड पापा जी निकल रहे हैं क्योंकि मम्मी पापा जी एक्टिवा लेके जाएंगे ना, तो वो तो चले जाएंगे, मैं एंड दीदी जाएंगे बस वॉकिंग करते करते हैं। पहले हम दोनों की शूज़ निकालता हूँ, पहनते हैं एंड फिर निकलते हैं। आ जा शूज़, ये दीदी के आ गए, ये मेरे आ गए, और क्या चाहिए? चलो क्या पड़ा है यार यहाँ पे, चलो दो स्लाइस ये ला। चलो शूज़ पहन लिया है एंड अभी चलते हैं। दुकान पे पहुँच गए थे एंड अभी चलते हैं फटाफट से जिम क्लास को कंप्लीट करते हैं। फाइनली अभी जिम क्लास भी खत्म हो गई एंड अभी मुझे मम्मी जी का कॉल आया था, अच्छा माल तो मम्मी ने कहा कि मम्मी जी को लेने के लिए जाना होगा मुझे, क्योंकि मम्मी जी एक्चुअली दीदी के ससुराल गए थे जो कि यहाँ पे नज़दीक ही है, तो चलते हैं एक्टिवा लेके एंड मम्मी जी को लेके आते हैं। पापा जी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, चलो डिस्टर्ब नहीं करते। भाई एक्टिवा की चाबी देना, दे दो यहाँ पे। चलो थैंक यू। एक्टिवा की चाबी आ गई है एंड अभी चलते मम्मी जी को लेके आते। फिलहाल अभी जीजू के घर के पास पहुंच गए लेकिन अभी अंदर नहीं गए यार, जस्ट कभी अभी जिम वगैरह कम्प्लीट करके आया ना तो पूरा टी शर्ट भीगा थोड़ा एंड हमें सही नहीं लगे यार, ऐसे ऐसे बीचते टी शर्ट में गए तो हमें सही नहीं लगेगा, इसके बाहर इंतजार करते हैं मम्मी जी का, देखते हैं कब तक आते हैं। एक बार मैंने मम्मी को कॉल तो कर दिया है, फिर भी वेटिंग तो करना पड़ेगा। मम्मी आ गई एंड अभी चलते हैं दुकान की ओर।
लक्ष्मी जी बदल गई एंड दीदी आ गए हमारे गाड़ी के ऊपर, एंड हमारी गाड़ी भी बदल चुकी है जो कि हीरो होंडा आ गई। चलो कोई नहीं, फिलहाल पेट्रोल पंप चलते हैं एंड पेट्रोल भरवाते हैं यार। एक्चुअली पहले दुकान पे गए एंड दुकान से फिर घर के लिए निकल गए। मैंने हीरो होंडा ले लिया एंड पापा ने एक्टिवा। घर पे आ गए थे एंड एक्चुअली पेट्रोल पंप पे मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाया। एंड घर पे आके मैं सब कुछ कंप्लीट किया एंड पापा जी कहे फिलहाल भजन सुने, क्योंकि हमारा जो पे नया घर बन रहा है ना तो बिल्डिंग एंड हमारे बिल्डिंग के बाजू वाले बिल्डिंग में भजन खेल रहे हैं। क्योंकि पीछे लाइट दिख रहा होगा आपको जो कि रेड कलर की लाइट आ रही है ना, ऑरेंज कलर की, तो वहाँ पे भजन चल रहे हैं। बैकग्राउंड में भी आपको म्यूजिक आ रही होगी लाइट से, अभी भी शांति हो जाता हूँ तो सुनाई दे रहा होगा आपको ढोल की आवाज़ एंड बोलने की आवाज़। तो भजन चल रहे हैं वहाँ पे, जो भी अभी नवरात्रि चल रही है ना तो कहीं कहीं पे भजन चलेंगे। तो पापा जी हर भजन में जाएंगे कहते हैं। चलो कोई नहीं, जहाँ पे बुलावा आएगा वहाँ पे तो जाना ही पड़ेगा पापा जी। तो पापा जी गए, मम्मी जी मस्त अंदर सो रही है, दीदी भी सो रही है एंड भाई अपना बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो भाई अपने ब्लॉग में आते ही नहीं है यार, पता नहीं क्यों। रीज़न भी मैंने डाला है एक बार जो कि बहुत ही फनी रीज़न था यार, जो कि कोई वैल्यू ही नहीं उस रीज़न की यार, क्या ही बात करो उस रीज़न के बारे में। चलो कोई नहीं, फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करते हैं। डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है एंड अभी एटीएम को कुछ भी हो नहीं पाएगी क्योंकि बहुत ही लेट हो चुका है। एक्चुअली फोन स्विच ऑफ हो गया था ना एंड अभी जाके जस्ट 40% चार्जिंग हुआ है एंड अभी टाइम भी 11 बज गए यार, बहुत ही ज़्यादा टाइम बीत जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ सुबह सुबह उठ के फटाफट से डिलीवर करेंगे एंड फिर अपलोड कर दूंगा। एंड अभी के लिए ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद तो लाइक कर देना एंड छह महीने तो सिर्फ बनाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।